ओके okay. तो so, सबसे पहले जब हम इकोलॉजी के पोर्शन के बारे में बात करते हैं पहला ही टर्म आता है दैट इज व्हाट इज इकोलॉजी एज वेल एज व्हाट इज इकोसिस्टम ठीक है तो इकोलॉजी एक ढंग से आप कह सकते हो सब्जेक्ट की तरह है सब्जेक्ट के फॉर्म में जब हम इको को और उस इको से यानी जिसे हम एक इन्वायरमेंट कहते हैं उस इन्वायरमेंट से एक ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है और एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है जब हम इस इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम इकोलॉजी कहते हैं ठीक है और जिस इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है उस सारे सिस्टम को मिलाकर हम उसे इकोसिस्टम कहते हैं तो इस ढंग से एक ऑर्गेनिज्म का रिलेशन उसके इकोसिस्टम के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये सब मिलकर एक, एक का देता है। तो जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं मैंने कहा कि ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में रहते हैं इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ इकोसिस्टम का मतलब हो गया इन्वायरमेंट आपके आसपास का सराउंडिंग एरिया या किसी भी दैट इज एनिमल के आसपास का सराउंडिंग एरिया इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम जिसमें कि लाइक like तो है ही और वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में है अब ये जो इको सिस्टम आर्टिफिशियल भी हो सकता है आर्टिफिशियल का मतलब हो गया कि जो हम आर्टिफिशियल तरीके से एक रहने का एक एरिया ऑर्गेनिज्म के लिए क्रिएट करते हैं नेचुरल की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल में चले आते हैं एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया जिसमें कि जमीन यानी लैंड एरिया शामिल हो तो टेरिस्ट्रियल में भी ग्रासलैंड चले आते हैं डेजर्ट चला आता है एंड फॉरेस्ट एरिया चला आता है तो हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम इको कह सकते हैं डेजर्ट इको कह सकते हैं फॉरेस्ट इको भी कह सकते हैं और अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक इको की तो एक्वेटिक में भी दो टाइप के आपको इको देखने को मिल सकते हैं पहला है फ्रेश वाटर इको दूसरा मैरिन इको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी तीन टाइप पाए जाते हैं एक होता है वेटलैंड जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एंड मैरेश दूसरा होता है लोटिक इकोसिस्टम जिसमें कि रिवर एंड स्ट्रीम्स होते हैं जहां पे आपको पानी हमेशा बहता हुआ दिखेगा दूसरा होता है लेंटिक दैट इज पॉन्ड एंड लेक जहां पे आपको पानी कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको दैट इज स्टैटिक बेसिस पे दिखे ठीक है तो फ्रेश वाटर में ये सारे के सारे टाइप हो गए और ये एक आप कह सकते हो ये एक ओवर हो गया गार्डिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम नेक्स्ट आता है जब हम इको सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है कि, कि किस लेवल पे ऑर्गेनिज़म्स को ऑर्गेनाइज किया गया है तो पहला तो आता है इंडिविजुअल ये सबसे छोटी यूनिट होती है ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जैसे कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं एक कैट एक डॉग वो क्या हो गया सिर्फ एक की बात कर रहे हैं सो इट विल बी एक्टिंग एज अ इंडिविजुअल जैसे कि हम ए को यहाँ पे एक इंडिविजुअल ले सकते हैं जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन आर द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसी विथ अ एरिया और द रीजन तो यहाँ पे क्या होता है उस इंडिविजुअल यानी उस इंडिविजुअल जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल का पूरा ग्रुप रह रहा होता है उसे हम एक साथ पॉपुलेशन का नाम देते हैं जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा ए है यहाँ पे सिर्फ एक ए था यहाँ पे बहुत सारा ए है सो इट इज रिप्रेजेंटिंग पॉप रिप्रेजेंटिंग दी पॉपुलेशन थर्ड आ जाता है कम्युनिटी कम्युनिटी में क्या होगा कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन पाए जाते हैं जैसे कि ए का पॉपुलेशन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बी का पॉपुलेशन सी का पॉपुलेशन ये सब मिलाकर हम कम्युनिटी कहते हैं तो डिफरेंट पॉपुलेशन जिसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं प्लांट एक साथ रहते हैं प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब एक ही साथ एक ही एरिया में अगर रहेंगे तो सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे दैट इज कम्युनिटी का नाम देंगे तो ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि सबसे छोटा था इंडिविजुअल उसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलकर पॉपुलेशन बनता है बहुत सारे पॉपुलेशन से मिलकर कम्युनिटी बनती है नेक्स्ट बात करते हैं मेजर वेजिटेशन ऑफ दर्ल्ड वर्ल्ड में कितने टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं पहला है फॉरेस्ट ठीक है मतलब फॉरेस्ट में भी बहुत से टाइप के फॉरेस्ट है में आपको बहुत ज्यादा दैट इज ट्रीज देखने को मिलेंगी जिसमें कि टॉल ट्रीज आप कह सकते हो ठीक है ग्रासलैंड में डोमिनेटिंग स्पीसीस ग्रासेस ही होंगे ज्यादा वहां पे ट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे दैट इज टॉल ट्रीज ज्यादा है तो यहाँ पे वुड भी देखने को मिलेगा यहाँ पे वुड ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा ग्रास में शॉप्स क्या होते हैं सॉरी स्क्रब्स क्या होते हैं ये लाइक like, ट्री जो फॉरेस्ट एरिया में ट्री पाए जाते हैं उसके मुकाबले दैट इज योर स्क्रब्स में छोटे छोटे से ट्रीज होते हैं दैट इज स्मॉल ट्रीज और टुंड्रा में जो है दैट इज ट्रीज ज्यादा नहीं पाया जाता मतलब ये एक एरिया ऐसा हो जाता है जहां पे आपको टेम्परेचर बहुत लो मिलेगा और वहां पे वेजिटेशन आपको बहुत ज्यादा कम मिलेगी तो इस ढंग से हमने फॉरेस्ट ग्रासलैंड को हमने कर दिया मतलब होता है ए फॉरेस्टेशन इज द दब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट और स्टैंड ऑफ ट्री इन एन एरिया वेयर देर वॉज नो प्रीवियस ट्री कवर मेनी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोग्राम

मेजर एम ही यही होता है कि प्लांट अगर रहेगा तो वेरी ऑब्वियस चारों तरफ ग्रीनरी गी ज्यादा रहेगी पॉल्यूशन से पॉल्यूशन का जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो देखने को कम मिलेगा तो ये कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए इकोलॉजी का सिलेबस गेट में ऐसा नहीं होता बहुत कनेक्टिंग पॉइंट वाला नहीं हर एक टॉपिक अपने आप में मतलब एक मतलब शुरू होकर वहीं पे खत्म हो जाता है जैसे कि हो गया ए फॉरेस्टेशन ठीक है तो ये फॉरेस्टेशन का आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जब भी हम एक ट्री को या प्लांट को एक एरिया में लगाते हैं और उस हमारा एम ये होता है कि एक फॉरेस्ट क्रिएट करना है वहां पे तो उस पूरे मेथड को हम कहते हैं ए फॉरेस्टेशन नेक्स्ट आता है कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं हैबिटेट रिस्टोरेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट रिस्टोरेशन हैबिटेट रिस्टोरेशन सीक्स टू रिपेयर एरिया दैट है एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पे आपको वराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जिसे हम हैबिटेट को मेनली ये कहते हैं कि वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव वेयर एन ऑर्गेनिज्म जहां पे एक रहता है अब मान हैबिटेट uh, का डिस्ट्रक्शन हो गया किसी ने हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो अब क्या किया जाएगा उसको रिस्टोर किया जाएगा रिस्टोर यानी दोबारा से स्टोर करना यानी दोबारा से बनाना तो हैबिटेट हैबिटेट रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि जो डिस्ट्रक्टेड लैंड था या डिस्ट्रक्टेड हैबिटेट था उसको वापस से रिपेयर प्रोसेस में डाल देना हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर इन्वॉल्व इन कॉजिंग द स्पीसीज ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल टू बी थ्रेटन विद इन एक्सटेंशन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को लाइक like, वन ऑफ द रीजन माना गया है कि क्यों प्लांट एंड एनिमल की जो एक्सटिंक्शन होता है वो जल्दी हो जाता है क्योंकि मान लीजिए एक एरिया में बहुत से एनिमल्स पाए जाते हैं और उस एरिया का डिस्ट्रक्शन कर दिया गया तो वेरी ऑब्वियस उस एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स जो है उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ऐसा भी हो सकता है कि उस एरिया में वो जो एनिमल्स का ग्रुप रह, रह रहा था वो आखिरी ग्रुप हो जो कि एग्जिस्ट करता हो दुनिया में तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है जो एक्सटिंक्ट होने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है अगर हम बात करें कि रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स क्या क्या देखे जा सकते हैं मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि हैबिटेट को रिस्टोर किया जा सकता है लेकिन कैसे कुछ तो ऐसा मतलब होता होगा मेथड तो जैसे कि अलग अलग ढंग से जैसे कि हो गया दैट uh, इज़ फिश का एक हैबिटेट क्रिएट करके ठीक है वाइल्ड लाइफ सर्विसेस प्रोवाइड करके नेशनल पार्क बनाकर इसके अलावा इनवैसिव स्पीसी को कंट्रोल करके फिश को जो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स होते हैं वहां पे ऐड करके ताकि वहां का पूरा बैलेंस बना रहे हैं। इसके अलावा जो बर्ड्स के नेस्ट होते हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करके और अपार्ट फ्रॉम दिस दैट इज अलग अलग एरिया में जहाँ पे आपको लगता है मतलब जहाँ पे देखा जाता है कि ऐसे ऑर्गैनिज्म जो कि उस एरिया में रहेंगे तो उस एरिया का प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी बना पाएंगे तो उसको उस एरिया में दैट इज योर री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फिर से उस एरिया में उनको एड कर दिया जाता है ताकि वो उस एरिया का जो भी इको है उसे एक बैलेंस तरीके से रख सके तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हैबिटेट रिस्टोरेशन क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे जो है दैट इज एग्जांपल आपको देखने को मिला कि किस तरीके से हैबिटेट को रिस्टोर किया जा सकता है ओके okay. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज कुछ एक आध बेसिक टर्म्स आते हैं इकोलॉजी में जो कि आपको अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं जैसे कि पहला हो गया इको डिफाइन किया था वॉट इज इको सो इको एक बायोलॉजिकली कम्युनिटी है ठीक है बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है एज वेल एज अपने सराउंडिंग से भी इंटरेक्ट करता है जिसे हम बोलते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट और इसी को मिलाकर हम कहते हैं इको सिस्टम सो इट इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इंटरक्टिंग फिजिकल इन्वायरमेंट ये हो गया डन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हैबिटेट की वॉट इज हैबिटेट? तो अभी भी एक छोटा सा पोर्शन मैंने बताया हैबिटेट क्या होता है बट यस यहाँ फिर से एक एग्जाम्पल के फॉर्म में एज वेल एज एक प्रॉपर ढंग से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं जी हैबिटेड इज टाइप ऑफ नैचुरल इन्वाइट इन विच अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पे एक ऑर्गेनिज्म बाई द बोथ फिजिकल एंड दायोलॉजिकल फीचर्स यहाँ पे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स दोनों ही पाए जाएंगे फिजिकल बेसिस पे देखा जाए तो मेनली इको सिस्टम हो गया बायोलॉजिकल बेसिस पे देखा जाए तो वहां की लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए ठीक है तो हैबिटेट को हम नेचुरल इन्वायरमेंट कह सकते हैं जहां से एक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म पे एक रहता है थर्ड कंसेप्ट आता है नीश का व्हाट इज नीश इन इकोलॉजी अ नीश इज द मैच ऑफ स्पीशीज टू अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन ओके ये एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रह सकता है इट डिस्क्राइब हाउ एन ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नीच ये बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है ठीक है 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 और हैबिटेट बताता कि एक ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता एंड नीच बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है माइनर माइनर से डिफरेंसेस हैं लेकिन इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाता है सो यू डिस्क्राइब हाउ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड टू दी कहना चाहें तोम का एक फंक्शनल एरिया माना जाता है कभी भी जब हम ऑर्गेनिज्म को इको सिस्टम या इकोलॉजी में पढ़ते हैं तो हम ऑर्गेनिज्म का है क्योंकि तो एक हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं अलग अलग टाइप पे जैसे कि एक फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में एक टाइप के एनिमल्स थोड़ी रहते हैं देर आर सो मेनी टाइप ऑफ एनिमल्स तो फॉरेस्ट एक हैबिटेट हो सकता है लेकिन फॉरेस्ट का ही एक छोटा सा एरिया किसी ऑर्गेनिज्म का नीश हो सकता है नीश क्या होता है दैट इज फंक्शनल एरिया होता है फंक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है वहां पे दैट इज आप कह सकते हो रिप्रोड्यूस करता है वहां पे फीड कर सकता है वहां पर सरवाइव कर सकता है तो जितने भी आप कह सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे जीता है इसका आंसर आपको नीच में ही मिलेगा तो इकोलॉजी में जब भी हम पढ़ते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में तो हम अक्सर उसके नीच को कंसीडर करके पढ़ते हैं उसके हैबिटेट को नहीं क्योंकि अगर एक एनोलॉजी से लें तो आपका घर जो है वो एक हैबिटेट की तरह है लेकिन आपका खुद का पर्सनल रूम एक नीच की तरह है तो अगर कोई चाहे कि कोई ये जानना चाहे कि आप अपने लाइफ में कैसे रहते हो तो वो आपके रूम में एंटर कर सकता है रूम का हालत देखकर वो बता सकता है कि हाउ यू लिव राइट घर तो सभी का अच्छा होता है लेकिन रूम कैसा रखा जाता है वो मैटर करता है तो आपके घर को घर का अगर कोई एड्रेस दे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां रहते हो लेकिन अगर आपके रूम में कोई एंट्री कर जाए तो उसे यह पता चल जाएगा कि आप कैसे रहते हो राइट right? तो कहां रहते हो का मतलब हो गया वेयर राइट right? और कैसे का मतलब हो गया हाउ तो जब भी घर और रूम का कंसेप्ट आप लेते हो तो आप आराम से समझ सकते हो व्हाट इज इज नीश किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शनल एरिया होता है जहां पे वो अपना मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है फोर्थ फोर्थ टर्म आता है जिस हम बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल या ट्रॉपिक लेवल आप कह सकते हो ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट इन द फूड चेन आपको पता है इकोसिस्टम में मैक्सिमम चीजें फूड चेन के बेसिस पे चलती हैं। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल ओके, okay. मान लीजिए यहां पे मैं फूड चेन बना रही हूं एक ऑर्गेनिज्म है ए बी सी डी ई ये एक फूड चेन है तो वेरी ऑब्वियस क्या होगा ए बी पे फीड करेगा बी सी पे करेगा सी डी पे करेगा डी ई e पे करेगा ये क्या है इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ट्रॉपिक लेवल। ट्रौपिक लेवल का मतलब भी क्या होता है कि हमें ये पता चलता है ये ट्रॉपिक लेवल हुआ एक एक ऑर्गेनिज्म का लेवल लेकिन ये कौन सा ये बता रहा है एक ऑर्गेनिज्म का लेवल दैट इज इन केस ऑफ अ फूड चेन फूड चेन का मतलब क्या होता है कहाँ से खाना किसको कैसे जा रहा है तो सीधी सी बात है ए का जो है फीडिंग सोर्स कौन है बी बी का फीडिंग सोर्स कौन है सी ठीक है सी का फीडिंग सोर्स कौन है डी एंड डी का फीडिंग सोर्स कौन है ई e. और ई e अपने डाउन में जो भी मतलब इट मे बी लाइक अ प्लांट और समथिंग लाइक दैट जो कि अपना फूड ऑप्टेन करता होगा तो अगर हम इसको देखें तो हमें क्या पता चलता है अगर मैं कहूं कि सी जो है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट है तो उसको देखकर आप ये बता सकते हो कि उसको कौन खा रहा है हु इज ईटिंग सी एंड सी सी सॉरी दैट इज इज ईटन और सी किसको खा रहा है यानी सी को कौन खा रहा है और सी किसको खा रहा है ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं ट्रॉपिक लेवल कहते हैं जो कि एक्चुअल में बता रहा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का फूड चेन में पोजिशन uh, क्या होता है तो दैट इज वॉट मैं टॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दोजीशन इट ऑक्यूपाई इन द फूड चीन ठीक है नेक्स्ट आता है दैट इज योर्शन जिससे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड अब इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या हो गया इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कभी भी हम पिरामिड की बात करते हैं तो ग्राफिकली उसे प्रेजेंट करते हैं ऑल दो इकोलॉजिकल पिरामिड का मैं एक मतलब लॉन्ग कंसेप्ट भी लूंगी इसी पर्टिकुलर लेक्चर में तो उस टाइम हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पे हम एक बेसिक डेफिनेशन के तौर पर बढ़ रहे हैं एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम तो एक्चुअल में इकोलॉजिकल पिरामिड से भी क्या पता चलता है कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक्चुअल में रिलेशन क्या बनता है ठीक है ईच ऑफ दी बार दैट मेक अप दी पिरामिड रिप्रेजेंट अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल जैसे कि अगर मैं मानती हूं मान लीजिए मैं यहाँ पिरामिड बनाती हूँ दिस इज अ पिरामिड ठीक है और साफ साफ पता चल रहा है कि कौन किसको खा रहा है ये वाला इसे खा रहा है ये वाला इसे खा रहा है तो यहां पे भी क्या पता चलता है कि कौन किसे खा रहा है हु इज ईटन बाय होम सीधी सी बात है और हर एक लेवल ये ये ऑर्गेनिज्म ए होगा बी होगा सी होगा तो हर एक बार जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को बता रहा होता है तो वही मेंशन है ईच ऑफ दी बार दैट मेक अप पिरामिड रिप्रेजेंट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल और ट्रॉपिक लेवल के बारे में अभी हमने बात किया कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है सो so, एंड देर ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन हु ईट हुम रिप्रेजेंट दी फ्लो ऑफ एनर्जी अब इससे ये भी तो पता चल रहा है कि कौन किस को खा रहा है जैसे सी बी को खा रहा है बी ए को खा रहा है साथ ही साथ हम पिरामिड को जब देखते हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि एनर्जी का फ्लो कहाँ हो रहा होगा एनर्जी का फ्लो हमेशा ही अपराइट होता है यानी बी अगर ए को खाएगा तो ए से बी के पास एनर्जी जाएगी बी से सी के पास जाएगी तो हमेशा अप डायरेक्शन में ही होता है अपराइट पिरामिड आपको देखने को मिलता है दैट इज इन केस ऑफ दी एनर्जी For, uh, sorry, आता है है। सिलेक्शन। सिलेक्शन सिलेक्शन अब के के बारे में 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 मैं ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर चुकी इवोल्यूशन चैप्टर कि क्या होता है। यहाँ पे एक छोटे से डेफिनेशन के तौर पे हम मूव ऑन करते हैं नेशनल सिलेक्शन इज द डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बेसिस क्या होता है फिनोटाइप होता है और नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्शन नेचर किसे सेलेक्ट कर रही है तो देखा जाता है कि नेचर एडवांटेज करेक्टर को सेलेक्ट करती है डिसएडवांटेज को एलिमिनेट कर देती है जो एडवांटेज करेक्टर सेलेक्ट होता है वो सर्वाइवल ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू दैट ऑर्गेनिज्म जिसके पास डिस करेक्टर है साथ ही साथ रिप्रोडक्शन भी वो ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू दर्गेनिज्म जिसके पास डिसेज करेक्टर देखा जा रहा है इट इज द की मैकेनिज्म ऑफ द इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन को हम मैकेनिज्म बिहाइंड द इवोल्यूशन भी कहते हैं कि लाइक नेचुरल सिलेक्शन इज द यानी इसके थ्रू ही जो है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ही इवोल्यूशन होता है द द द चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन और इस ढंग से जो भी चेंजेस पॉपुलेशन में आ रही है वो हेरिटेबल होती है मतलब कि आने वाले ऑस्प्रिंग में वो जा सकती है ओके okay. तो मैंने आपके सामने नीश की बात की थी दैट इज योर फंक्शनल एरिया राइट थर्ड पॉइंट तो ये जो नीच की बात की थी एक्चुअल में नीच को जो है दो मेन पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक को हम कहते हैं फंडामेंटल नीच और एक को हम कहते हैं रियलाइज नीच फंडामेंटल नीच का मतलब क्या हुआ एक एरिया जो कि बहुत ज्यादा लार्ज होता है एंड रियलाइज नीच जो है वो स्मॉल हो सकता है तो फंडामेंटल नीच क्या होता है कोई भी एक एरिया जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अकेले रह सकता है ठीक है यानी वो ऑर्गेनिज्म वहां पे अकेले रहेगा वो उसके साथ कोई और ऑर्गेनिज्म कंपीट नहीं करेगा तो द दा नीच दैट कुड पोटेंशियली ऑक्यूपाई मतलब उसके पास काबिलियत है कि वो क्या कर सकता है मान लीजिए ये, ये ये एक दैट इज रॉक है ये एक पत्थर है ठीक है और यहाँ पे ये छोटे छोटे से कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इनके पास क्या काबिलियत है कि ये पूरे रॉक को ऑक्यूपाई कर सकते हैं तो पूरा रॉक इनका क्या कहलाएगा फंडामेंटल नीच कहलाएगा क्योंकि दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू ऑक्यूपाई द होल रॉक ठीक है दिस इज अ रॉक तो तो रियलाइज क्या होता है द द दैट एक्चुअली देखिए इनके पास पोटेंशियल होता है कि सारा रॉक ऑक्यूपाई कर सकते हैं लेकिन रियलिटी क्या है रियलिटी ये है कि इकोसिस्टम में कोई भी चीज बिना कंपटीशन के नहीं रहती है तो मान लीजिए कि कुछ और स्पीशीज यहां पे चले आए ठीक है ये हो गया बी पीसेस और ये था पीसेस। तो देखने को क्या मिलेगा कि ये वाला ऑर्गेनिज्म यहां तक इस रॉक को ऑक्यूपाई कर लिया है तो दूसरा वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा वो वो जो है इतने एरिया को ऑक्यूपाई कर पाएगा जबकि पोटेंशियल था कि सारा एरिया वो ऑक्यूपाई कर सकता था तो ये होता है कि कितना पोटेंशियल है उसके पास उसके पास कितनी काबिलियत है उसके पास काबिलियत थी कि ये पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर सकता है लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि उसको किसी और ने आकर इंटरफेयर कर दिया और जब ये इंटरफेरेंस बढ़ जाता है इंटरफेयर जब कोई दूसरा स्पीशीज आकर इंटरफेयर करने लगता है तो एक्चुअल में देखा यह जाता है कि यही एक एक्चुअल नीच कहलाता है दिस इज अ रियल नीच ट कॉल देयरिंग ये एक रियल नीच है तो रियलाइज नीच से आप रियल नीच वाला जो टर्म है वो याद रख सकते हो मैक्सिम स्पीसीस को ऐसा ही देखा जाता है क्योंकि फंडामेंटल नीच का मतलब क्या हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म एक एरिया में रह रहा है नीच में रह रहा है उससे अगर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है जो की एक सम्भव आप कह सकते हो कि ये एक थियोरिटिकल बेसिस पे चलता है इसको हम रियलिस्टिक बेसिस पे ज्यादा देर तक तो इमेजिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इकोसिस्टम है तो वहां पे कंपटीशन लगातार होना ही है तो तो रियलाइज नीच में क्या होता है दो ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिकीश में रह रहे होते हैं को शेयर कर रहे होते हैं आपस में कम्पीट भी कर रहे होते हो रहे होते हैं दैट इज फॉर कॉम्पिटिशन किसके लिए होता है स्पेस के लिए एंड रिसोर्स के लिए बट यस दिस इज अ रियालिटी दैट दिस इज अ रियल नीच ओके कुछ और टर्म आता है जैसे कि हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट इससे भी मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है सो so, जेनेटिक ड्रिफ्ट की अगर हम बात करें सो इट इज अ रैंडम डायरेक्शनलेस चेंजेस इन दी एलील फ्रीक्वेंसी सिंपली एज अ रिजल्ट ऑफ चांस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इन अ स्मॉल पॉपुलेशन विच इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट तो एक स्मॉल पॉपुलेशन में कुछ एलील्स का चेंज लाइक एलील्स में एलील की फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज चला आता है और ये चेंज कोई ऐसा नहीं होता है कि डिसाइडेड बेसिस पे चले ये ऑल ऑफ सर्टन होता है बाई चांस इवेंट है ये एक रैंडम प्रोसेस होता है जिसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है और ये सिग्निफिकेंटली स्मॉल पॉपुलेशन में ही देखा जाएगा जिसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट ठीक है जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो टाइप होते हैं बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट बॉटल नेक इफेक्ट में डेथ इवेंट ज्यादा देखा जाता है ओके नेक्स्ट फाउंडर्स इफेक्ट में माइग्रेशन इवेंट ज्यादा देखा जाता है ओके okay. फिर आता है नेक्स्ट टर्म दैट इज दुअल सिलेक्शन आई थिंक हम लोग सिक्स टर्म पे थे यस दिस इज अवेंथ वन दिस इज अट्थ वन सेक्शुअल सिलेक्शन क्या होता है सेक्शुअल सिलेक्शन में यह देखा जाता है कि एक ढंग से दैट इज पिकॉक को देख लेते हैं तो पिकॉक का केस क्या है कि जो पिकॉक के पास ब्यूटीफुल टेल होता है फीमेल उसी पिकॉक को प्रेफर करती है और उसी के साथ ब्रीड करेगी उसी के ऑस्प्रिंग बनेंगे मतलब कि अगर एक पिकॉक है विद ब्यूटीफुल टेल तो होगा क्या कि इसके साथ फीमेल ब्रीड करेगी और इनके ही ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे एंड वेरी ऑब्वियस वो जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनके पास भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि उतना ही ब्यूटीफुल टेल होगा लेकिन एक ऐसा पिकॉक जिसके पास ब्यूटीफुल टेल नहीं है नो ब्यूटीफुल टेल तो उसके साथ फीमेल क्या करेगी नो फीमेल विल बी इंटरेस्टेड और उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस एकदम कम हो जाएगा तो इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को देखकर फीमेल मेल का सिलेक्शन करती है फॉर द ब्रीडिंग पर्पज ताकि वो सारे के सारे के रेक्टर उसके में भी जाए तो इसको हम कहते हैं ओके okay? और जैसे जैसे ये ब्यूटीफुल जीन है, है या करेक्टर है जैसे जैसे कॉमन होता जाएगा इकोसिस्टम में वैसे वैसे दैट इज वो कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा ठीक है एज कम्पेयर टू दैट पिकॉक जिनका जिनके टेल बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है मेनली आपने देखा होगा पिकॉक के टेल पे आई जैसा कुछ बना होता है दैट इज शेप बना होता है जितना ज्यादा आई होता है या फिर ज्यादा आई वाला शेप के टेल पे देखने को मिलता है जो पी हेंस होती हैं या जो फीमेल होती हैं वो उतना तो ही ज्यादा प्रेफर करती हैं उस पर्टिकुलर दैट इज पिकॉक को ओके तो इसे हम कहते हैं सेक्शुअल सिलेक्शन ओके और आप लोग जो जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट है मेक मेकश्योर sure ये इवोल्यूशन के पोर्शन में मैं करवा चुकी हूँ तो आई होप वहां से आप इसका डिटेल देख लेंगे क्योंकि एक ही चीज को बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है इवोल्यूशन का पोर्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज योर यूलॉजी दोनों के लिए ही कॉमन था तो आप जो है वहां से इसको इजिली आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा वहां पर मैंने पूरा इवेंट एक्सप्लेन किया है कि बॉटल ने इफेक्ट क्या होता है फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है ओके नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं तो देखिए अगर हम बात करते हैं पहले इकोलॉजिकल इंट्रेक्शन की तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रलिज्म न्यूट्रलिज्म में क्या होता है अगर स्पीस ए और बी के बीच में इंट्रेक्शन की हम बात करें तो दोनों के दोनों न्यूट्रल रहते हैं देर इज नो इफेक्ट ठीक है कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉम्पिटिशन एक नेगेटिव फिनोमिना है स्पीस ए एंड बी दोनों का ही लॉस होता है लेकिन देखने को यह मिलता है कि एक कंपटीशन कोई भी कर रहा हो एक तो जीतता है तो उसका पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता यहाँ नेगेटिव होता है ऐसा क्यों है क्योंकि जो जीतता है वो भी तो स्टार्टिंग में अपना बहुत एनर्जी वहां पे लगा चुका है अपना बहुत सारा आप कह सकते हो कि टाइम लगा चुका है एंड दैट इज वाई इट एज अ नेगेटिव इवेंट क्योंकि भले ही एक जीत गया हो लेकिन इसने अपना बहुत कुछ उसमें इन्वेस्ट कर दिया है सो इट इज अ नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन ए और बी अगर दोनों लड़ रहे हैं एक कॉम्पिटिशन में है तो दोनों का ही लॉस होता है सो ए एंड बी कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स एंड हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ईच अदर थर्ड इज दैरासिटीजम पैरासिटिज्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का ही रिलेशन रखता है एक को फायदा मिलता है दूसरे को नुकसान मिलता है तो वेरी ऑब्वियस फायदा किसको मिलेगा पैरासाइट को मिलेगा और नुकसान यानी लॉस किसका होगा होस्ट का फोर्थ म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है म्यूचुअलिज्म का मतलब हो गया कि दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है ए और बी जो है बोथ रिक्वायर ईच अदर फॉर दी सर्वाइवल तो ए और बी दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे साइन आपको देखने को मिल रहा है फिफ्थ इज कमेंसलिज्म कमेंसलिज्म में क्या होता है एक ऑर्गेनिजम को बेनिफिट मिलता है दूसरा अनएफेक्टेड रहता है सो ए रिक्वायर बी फॉर द सर्वाइवल बट बी इज नॉट अफेक्टेड सिंपल ठीक है देखा जाता है कि एक ऑर्गेनिज्मेक्टेड रहता है लेकिन दूसरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सो ए रिमेन अन एफेक्टेड एंड बी इज नेगेटिवली अफेक्टेड सेवेंथ प्रीडेशन प्रीडेशन में क्या होता है प्रीडेशन में एक को एक के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है दूसरे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ठीक है सिमिलर सी बात है कि यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा रिलेशन होता है जैसा पैरासिटिज्म में होता है प्रीडेशन में प्रिडेटर को फायदा मिलेगा प्रे का नुकसान होगा सिंपल प्रोटो प्रोटोकॉर्पोरेशन प्रोटोकॉर्पोरेशन एक्चुअल में एक टाइप का म्यूचुअलिज्म ही है बट फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं सो बोथ गेट बेनिफिटेड इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे अगर हम हरबी बोली लिखे हर भी वो रेबी प्लस एंड माइनस का ही रिलेशन है एक और आता है रिलेशन जिसे हम बोलते हैं स्पाइट स्पाइट क्या होता है स्पाइट में दोनों को दोनों नेगेटिव रिलेशन होता है जो परफॉर्म कर रहा होता है और जिसके ऊपर परफॉर्म कर रहा होता है दोनों का ही दैट इज uh, नेगेटिव रिलेशन बनता है नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है तो इस ढंग से हमने देख लिया कि इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द इकोलॉजी पोर्शन सो थैंक यू सो मच एवरी And keep का दामन छूना हुआ आसान फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या पी एच डी का अरमान हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान वेदमी लेकर आया है यहाँ आपको सब कुछ पैटर्न के लेक्चर वन टू तो वन डाउन शेयरिंग सेशन पी डी एफ और भी बहुत कुछ वेदमी क्यूँकी हर सपना हमारा है अपना इन नाउ एंड डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर यूज करिए कोड विद ट्वेंटी फॉर गेटिंग द ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट विद मी एजुकेटिंग विद मी एजुकेटिंग इंडिया